दोस्तों, ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे होता है, कब होता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। चलिए ज्ञानवीर नुस्खे का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम है म्यूकोर माइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस या फिर काला फंगस रोग कहते हैं। यह रोग उन्हीं को होता है जिनका ह्यूमन सिस्टम कमजोर है। अब आइए जानते हैं यह जो रोग है ब्लैक फंगस, वो किन किन व्यक्तियों को हो सकता है और इसके लक्षण क्या क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले, यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि किसी भी उम्र के लोगों के साथ मेल या फिर फीमेल दोनों में हो सकता है। और किन व्यक्तियों को खतरा बढ़ जाता है, जिनका HIV या फिर एड्स का इलाज चल रहा है, कैंसर का इलाज चल रहा है, डायबिटीज के मरीज हैं या फिर कुछ ट्रांसप्लांट होने वाला है, लंबे समय से वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, शरीर में पोषण की कमी है, उन व्यक्तियों को यह ब्लैक फंगस हो सकता है। अब आइए जानते हैं म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या है। अगर आपको यह लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे तो हर एक मरीज के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, ये उस बात के ऊपर निर्भर करता है कि फंगस आपके शरीर के किस भाग पर विकसित हो रहा है। आइए मैं आपको कुछ प्रमुख लक्षण बताता हूँ। नंबर 1, अगर बुखार है। नंबर 2, अगर आंखों में दर्द है। नंबर 3, अगर खांसी है। नंबर 4, अगर आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी है। नंबर 5, छाती में दर्द है। नंबर 6, सांस फूलने लगी है। नंबर 7, मल में खून आने लगा है। नंबर 8, उल्टी आने लगी है। नंबर 9, सिर दर्द हो रहा है। नंबर 10, चेहरे के किसी तरफ सूजन आ रही है। नंबर 11, मुंह के अंदर या फिर नाक पर काले निशान आपको देखने को मिल रहे हैं। नंबर 12, पेट में दर्द हो रहा है। नंबर 13, डायरिया। नंबर 14, शरीर पर किसी जगह पर लालिमा या फिर छाले या फिर सूजन आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ब्लैक फंगस की क्या क्या जांचें करेगा। सबसे पहले डॉक्टर आपके नाक व गले की जांच करेगा। उसके बाद जरूरत पड़ने पर एक्सरे, सीटी स्कैन या फिर MIR की भी जरूरत पड़ सकती है। यह सब करके ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कहां पर है, शरीर के किस हिस्से पर है, पता लगाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का इलाज क्या है, डॉक्टर आपको कौन सी दवाइयां देगा। जैसे ही आपको ब्लैक फंगस का पता लगे, तुरंत आप डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज शुरू कर दें। डॉक्टर आपको कुछ टैबलेट्स देगा जिससे कि शरीर में संक्रमण को खत्म किया जा सकता है या फिर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर आपको एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल जैसी कुछ एंटी फंगल आपको दवाइयां या फिर IV देगा। कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में आप सभी को जागरूक रहने की सलाह दी जाती है, आप सभी जागरूक रहें। अब आइए जानते हैं इसका आप बचाव कैसे करेंगे। ब्लैक फंगस को रोकने के लिए आप कुछ हद तक सावधानियां बरत सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि धूल मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क का प्रयोग करें। नंबर 2, गंदे व संक्रमित पानी के संपर्क में आने से बचें। नंबर 3, अपने ह्यूमन सिस्टम को मजबूत बनाए रखें। नंबर 4, योगा व एक्सरसाइज जरूर करें। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना है ब्लैक फंगस कैसे होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ ज्ञानवीर नुस्खे का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आपको जरूर ब्लैक फंगस के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, ज्ञानवीर नुस्खे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।